आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ में नेहा बाथम। खबरें सुपर फास्ट का वक्त है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी विधान परिषद सभापति की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। उनके बेटे की हत्या मामले में पोस्टमार्टम में गला दबाने की पुष्टि हुई है। आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां ने कहा है कि नशे में बेटे ने बदसलूकी की थी। 9 घंटे की पूछताछ मां से चली है। आपको यह भी बता दें कि पोस्टमार्टम में आनाकानी करने के बाद पुलिस का शक बढ़ा, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाने की पुष्टि हुई है और मां से 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब यह सामने आया है कि बेटे ने नशे की हालत में बदसलूकी की थी, जिसके बाद आरोपी मां को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मीरा यादव गिरफ्तार हो चुकी हैं अपने बेटे अभिजीत यादव की हत्या मामले में, और मारे गए अभिजीत के बड़े भाई अभिषेक से भी पूछताछ की गई। गला घोटकर अभिजीत की हत्या का पुलिस को शक था और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर पुलिस का शक गहरा गया था। अब ये 9 घंटे की पूछताछ के बाद मीरा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप मीरा यादव को देख सकते हैं, जो कि अभिजीत यादव, उसकी मृत्यु हुई है, उसकी मां है। मां ने पहले कहा था कि अभिजीत को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद मां ने उसके सीने में तेल लगाया और वो सो गया, और सुबह जब उन्होंने देखा तो पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ये बयान मीरा यादव ने दिया था, लेकिन अब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि मीरा यादव ने ही ये हत्या की थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मीरा यादव ने क्या कुछ कहा है, पूछताछ में क्या कुछ मालूम चला है? देखिए, काफी लंबी पूछताछ चली नेहा मीरा यादव से, और पूरी रात पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि इस कत्ल को मीरा यादव ने ही अंजाम दिया था और गला दबाकर हत्या की थी। और पुलिस को जो उसने बताया उसके मुताबिक इन लोगों के बीच में पहले बहस हुई, झगड़ा हुआ, क्योंकि अभिजीत की आदत शराब पीने की बहुत थी और शराब के नशे में ही इसने मीरा यादव पर हमला किया, थप्पड़ मारा। और उसके बाद जो झगड़ा शुरू हुआ, उसी दौरान मीरा यादव ने अपने दुपट्टे से अभिजीत यादव का गला दबाया और उसके बाद कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद मीरा यादव ने ये भी कहा कि उन्होंने दुपट्टे को जला दिया, यानी सबूत भी नष्ट किया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये साफ होता है कि मीरा यादव और अभिजीत के बीच में जो शराब को लेकर के मारपीट, झगड़ा, बहस हुई, उसी का नतीजा है जिसमें कत्ल को अंजाम दिया गया। फिलहाल मीरा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे महिला थाने में लखनऊ में पूछताछ हो रही है। ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई और भी शामिल था, उस वक्त कौन कौन लोग शामिल थे, तो ये सारी चीजें साफ करना चाहती है पुलिस। लेकिन ये शुरुआती दौर में साफ हो चुका है कि मीरा यादव ने अपने बेटे का इस मामले में कत्ल किया है। शिवेंद्र, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, कोई भी प्रत्यक्ष दर्शी है इस पूरी वारदात का, इस मामले में कोई भी जानकारी मिली है? और मीरा यादव ने क्या सिर्फ अपने बचाव में हत्या की या कुछ और भी वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक मीरा यादव ने जो बयान दिया है उसका कहना है कि आए दिन ही अभिजीत शराब के नशे में मारपीट और झगड़ा करता था घर में, साथ ही साथ ये भी होता था, होती थी तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था मीरा यादव को भी, तो उसको कहीं ना कहीं डर लगता था। इस मकान में मीरा यादव अपने बड़े बेटे अभिषेक यादव और ये मरने वाला बेटा अभिजीत यादव, इन दो के साथ रहती थी। और ये दारुल शफा में जो फ्लैट है, ये रमेश यादव जो कि विधान परिषद के सभापति हैं, उनके नाम पर ही था और यही इसी में रहती थी। और जिस घटना की रात में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, बताया जा रहा है कि सिर्फ ये दो लोग ही मौजूद थे और नशे की हालत में ही काफी झगड़ा शुरू हुआ। आमतौर पर अभिषेक भी वहां पर मौजूद रहता था, लेकिन घटना की रात में उसने होने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी मकान है जहाँ पर अभिषेक कहीं कहीं कभी कभी रुकते थे, तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या कोई और शामिल था कि नहीं। लेकिन मीरा यादव ने पुलिस सूत्रों के मुताबिक अधिकारिक रूप से उन्हें स्वीकार किया है कि उन्होंने कत्ल किया है, क्योंकि शराब के नशे में मारपीट और दूसरी घटनाएं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी दे रहे थे कि मीरा यादव यानी कि अभिजीत यादव मरने वाले जो है उनकी माँ ने ही चुन्नी से गला घोटकर अभिजीत की हत्या कर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।